धरती पर हो रहे असामान्य बदलाव कई बार पक्षियों को भी भटका देते हैं। कई बार तो हमें ऐसे पक्षी या जानवर शहरों में देखने को मिल जाते हैं जो कभी नजर नहीं आते या हम जिन्हें विलुप्त मान लेते हैं। ऐसा ही एक वीडियो कानपुर का वायरल हो रहा है, हिमालयन वल्चर फाउंड इन कानपुर, जिसमें हिमालय की बर्फीली चोटियों में पाया जाने वाला गिद्ध नजर आ रहा है। इसे देखते ही लोग वीडियो बनाने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुर्लभ गिद्ध की लंबाई इतनी ज्यादा है कि पहली नजर में देखकर आपको लगेगा कि ये जटायु कहां से आ गए 6 फीट के लंबे पंखों वाला। आपको बता दें कि यह एक विलुप्त प्राय हिमालयन प्रजाति का गिद्ध है जो कानपुर के कर्नलगंज के ईदगाह कब्रिस्तान में मिला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1-2 दिन नहीं, करीब 1 हफ्ते से यह इस इलाके में है। 6-6 फीट लंबे पंखों वाले इस विशालकाय पक्षी को ईदगाह में रहने वाले सफीक नाम के युवक ने अन्य 5 लोगों के साथ मिलकर बड़ी चादर तानकर पकड़ा। तब से इसे देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। हालांकि अब इसे वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया है। गिद्धों की संख्या में 99% से अधिक की गिरावट। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पर्यावरण की जिम्मेदारी है, आप अपना परिचय दें। मैं विजय प्रकाश लवानिया, जिला संयोजक हफ्तियाबाद से हूँ पर्यावरण गतिविधि में। अब गिद्ध अपने यहाँ पहले बहुत बड़ी संख्या में मिलते थे, आज खत्म होते जा रहे हैं, इसको लेके क्या कहना है आपका? गिद्ध पहले काफी थे, हमारा पर्यावरण है वो अब अशुद्ध ज्यादा है, वायु जो है प्रदूषित होती जा रही है। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि पौधे लगाने चाहिए। पौधे अगर एक हमारा एक अभियान भी चल रहा है कि एक पौधा हर एक व्यक्ति को लगाना चाहिए। अब अशुद्धि का जब वायु में अशुद्धि होगी तो उसमें रोग फैलेंगे, और रोग फैलेंगे तो गिद्धों का भी जो ये हुआ है, कम मात्रा हुई है, गिद्ध रही नहीं है, वो वातावरण के अशुद्धि के कारण ऐसा हुआ है। अपना परिचय? संजीव, विभाग ग्राम विकास प्रमुख, आगरा। देश में गिद्धों के विलुप्त होते जा रहे हैं, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दें। जहां 1980 में गिद्धों की संख्या लगभग 800 लाख थी, लेकिन धीरे धीरे जो परिवर्तन होता जा रहा है प्रकृति में, उसके कारण 2016 के आसपास 40,000 के करीब रह गई। वर्तमान में आज गिने चुनी जगह गिद्ध मिलते हैं, लगभग विलुप्त हो गए हैं। इसका जो रिपोर्ट में या सर्वेक्षण जो किया गया, उसमें जो प्रमुख कारण निकला है वो एक डाइक्लोफेनिक दवा है जो पशुओं को घुटनों के दर्द या अन्य दर्दों में प्रयोग की जाती है, उसके प्रयोग से ज्यादा माना जा रहा है। लेकिन वहां दूसरा कारण ये भी है कि हमारे द्वारा खेती में अंधाधुंध रूप से जो रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है, जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है, उसके कारण उसका असर पशु खाते हैं, उसको पशु के मांस को वो खाते हैं, उसके बाद उन पर बड़े पैमाने पर पड़ रहा है। जहां गिद्ध की औसत आयु है उसमें वह 5 वर्ष से प्रजनन करता है और लगभग 1 से 2 अंडे देता है, तो हम ये माने आयु के अनुसार उसको रिकवर करें। यदि हम पर्यावरण को शुद्ध करें तो रिकवर करने की भी उम्मीद है। या एक गिद्ध का वजन 7.5 किलो होता है और उसकी लंबाई जो भारतीय गिद्ध है उसकी 2 फुट के करीब होती है। तो अब हमारे द्वारा भी किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे जो तंत्र बिगड़ा है उसको ठीक किया जा सके। गिद्ध नहीं, अन्य भी।